हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ भाई, आज नया ब्लॉग लेकर। तो भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल बाबा HP20 ब्लॉग पर। तो भाई, आज हमारी पशुशाला के ऊपर पेड़ गिरा है, उसको काटेंगे। पेड़ गिरा है मेरे कज़न मिंटू यानी हमारे चाचा जी का। तो भाई, आइए आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल वो भी आ चुके हैं, पेड़ काटेंगे। तो आइए आपको ले चलता हूँ। हाँ, आपको एक और काम करना है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो लो भाई गाइस, अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर पेड़ गिरा है। पेड़ गिरा है हमारी पशुशाला के पास, सॉरी पशुशाला के ऊपर ही लगभग। तो ये है चाचा जी, काट रहे हैं पेड़। तो भाई, आधा पेड़ टूट चुका है, बाकी ये साथ में हमारे ये पशुशाला है। और ये एक बंदा और आ गया लेबर का, जो चाचा जी के साथ ही काम करता है। तो भाई, अभी ये काटेंगे पेड़। तो भी पहले छोटी छोटी टहनियाँ काट देंगे, फिर बड़ी बड़ी टहनी काट देंगे। बाकी वो बंदा पेड़ के ऊपर चढ़ गया, देखते हैं कितने टाइम तक काटता है। बाकी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है फ़िलहाल, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाई, छोटे छोटे टहने काट दिए। बाकी आइए अंदर चलते हैं। बाकी भाई, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा टहना टूट के गिरा ऊपर। ये टीन है, टीन के ऊपर गिरा है। बाकी भाई, आप देख सकते हो ये है टीन, इसके ऊपर गिरा है थोड़ा सा। बाकी इसके नीचे लकड़ियां है, ये गिरा नीचे, कट गया, काट दिया बंदे ने। तो भाई, आप देख सकते हो। बाकी भाई, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी भाई, बड़ा टहना जो ऊपर से नीचे गिर चुका है, इसके नीचे वो बाल्टी रख, इसके नीचे आ गई बाल्टी, वो मैं उठाता हूँ। बाकी भाई, आसपास आप देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा तेज है, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है हिमाचल में भी। वो आप सामने देख सकते हो, टीन वो मुड़ चुकी है पेड़ के गिरने से। बाकी भाई, बहुत बुरा हाल है गर्मी से, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे आसपास ये टहने गिर चुके हैं, देखने में अच्छा लग रहा है वैसे, पर पेड़ टूट गया, थोड़ा नुकसान हो गया। तो भाई, बंदा तो काट रहा है अभी, पेड़ ऊपर चढ़ा हुआ था, अभी ये छोटे छोटे टुकड़े करेगा। तो भाई, उसने एक बड़ी सी टहनी काट दी, अब वो नीचे आ रहा है। बाकी भाई, गर्मी ने बहुत परेशान कर रखा है। ओहो, पहले आसपास छाया थी, अंधेरा छा गया था, अब पेड़ काट के नीचे फेंक दिया है तो धूप ही धूप दिखाई दे रही है।
बाकी भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो भाई दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, किया करो। बाकी भाई गर्मियों में इधर हमारे जो पशुशाला पेड़ लगे हुए हैं तो इधर बैठने में मज़ा आता है, इतनी गर्मी नहीं लगती, हवा वगैरह चलती रहती है। बाकी भाई अब मिंटू भी आ चुका है, तो भाई ये सामने हमारे लेटरिन बाथरूम पुराने, जिसके ऊपर कलाकारी मेरे भाई ये नित्तू ने की है, इसी ने ये शक्लें बनाई हैं भाई। बाकी भी ये दोनों बैठ के हंस रहे हैं। हाँ जी, एक सामने और पड़ोसी हमारा मोहित कुमार, जे भाई गोबर साइड को कर रहा है, गोबर उठाया भी इसने, जो बोल रहा हमारी वीडियो भी बनाओ भाई। तो भाई थोड़ा जूम करके दिखा दिया। बाकी भी आसपास आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है हरी भरी पेड़ के साथ। तो भाई अभी लोहे के आरे से काट रहे हैं, अभी बड़े बड़े टुकड़े करेंगे इनके, मिंटू और उनका जो उन्होंने बंदा रखा अपने साथ लीवर का। तो जे लो भाई, टकाटक टकाटक, बस 2 मिनट में काम तमाम। द्राट से भाई टाइम लग रहा था, तो भाई बड़ा आरा ही ले आए, तो उसी के साथ अभी जब काटेंगे, सॉरी काट रहे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी काटो और फ्री हो जाओ, लगभग पेड़ कट चुका है, अब बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है, बाकी ये टहने उठा उठा के ले रहे हैं अपनी जगह में। तो भाई अभी लगभग पेड़ का काम तो तमाम हो चुका है, बस औपचारिकता ही बाकी है। तो भाई काट दिया है इन्होंने पेड़, अब जो उठा के लेंगे जहाँ से। तो बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई। बाकी भाई मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नए ब्लॉग के साथ। बाकी भाई अभी मैं जाऊंगा घर, साथ में ही है हमारे घर, आपको पता ही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।